देखिए ये बटरफ्लाई बन गई और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है। थोड़ा पैर नीचे करिए ना। ये राजा बाबू बन चुके हैं यहीं पे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, जैसा लग रहा है कि मैं अब बटरफ्लाई बन चुकी हूँ। कितनी उड़ी, मेले में चली। गोरख बाबा के मंदिर परिसर के अंदर ही एक तालाब है और उस तालाब में बोटिंग की सुविधा है, मतलब नौका विहार की सुविधा है। आप नौका से पूरा विहार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके अंदर बोटिंग की काफ़ी अच्छी सुविधा है, लोग देख रहे हैं, फैमिली वाले लोग हैं जो बोटिंग कर रहे हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं, हम भी चलते हैं और इसका आनंद लेते हैं। आप लोग बताइए कि कौन कौन गोरख बाबा के मंदिर आए हैं और ये बोटिंग का आनंद लिए हैं। अगर बोटिंग का आनंद लिए हैं तो कमेंट जरूर करके बताइए और वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलिएगा। टिकट ले लिए हैं और हम लोग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। हम लोग भी बोटिंग करेंगे गोरख बाबा के मंदिर परिसर के अंदर, जो तालाब बना हुआ है इसके अंदर। देखिए ये लोग रेडी हो रहे हैं। अपना अपना लाइफ जैकेट पहन लीजिए और पेटी सीट बेल्ट बांध लीजिए। शैलेश भाई, यस यस यस, देखिए हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं। देखिए किरण जी, हम तो लाइफ जैकेट पहन चुके हैं, अब सीट बेल्ट बांध रही हैं अपना। हम ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे हम मेट्रो के कर्मचारी हैं इसको पहनने के बाद, और इसे पहनने के बाद हम ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हमारी प्लेन लैंड होने वाली है समुद्र के अंदर। सीट बेल्ट लगाइए। क्या बात है, हम आ चुके हैं अपनी बोट के अंदर और बोटिंग करने के लिए पूरा तैयार हैं। किरण जी भी तैयार है, तैयार है, समझ में आ रहा है, तैयार है। हम तो कंफ्यूज लग रही है। वो लाइफ जैकेट पहन के काफी मोटी हो चुकी है। और ये शैलेश भाई है, इनको देखिए उल्टा। ये शैलेश भाई है, हम कुछ चप्पू चला रहे हैं। किरण जी है और एक और भाई साहब बैठे हुए हैं। ऐसे इसको चलाना है, कैसे चला रहे हो? उल्टा चलाओ तब ना आगे बढ़ेगी। हाँ किरण जी बोले कि बहुत मोटी फील कर रही है। कैसी फील कर रही है? काफी मजा आ रहा है। शैलेश भाई पूरा चप्पू चला रहा है लगातार। देखिए यहाँ पे है ये श्री प्रताप भाई आए हैं बलिया से ब्लॉगिंग करने के लिए। इनका भी चैनल है, नाम और चैनल ट्रैकर शिवा, ट्रैकर शिवा के नाम से चैनल है। आप लोग इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे चलाइए नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। और हमको तो अच्छे से घूमते हैं, हमको ऐसा फील हो रहा है कि थक जाएंगे साइकिल चलाते चलाते यार। काफी मजा आ रहा है। आधा रास्ता हम लोग चलाते हैं, आधा रास्ता ये दोनों लोग चलाएंगे। हम लोग ये स्टीमर में बैठे हुए हैं, तीन लोग हैं। देखिए मेरा फोन बच जाए, मैं तो इतनी अगर देखना है तो मैं सीधे देखूंगी। अरे धीरे धीरे चलाओ, तुम तो एकदम इतना फास्ट चला रहा है शैलेश भाई। मजा आ रहा है। थोड़ा पैर नीचे करिए ना। ये राजा बाबू बन चुके हैं यहीं पे, पैर और पूरा ऊपर फेंक के आराम से लेटे हुए थे। ये भाई साहब हैं जो हैंडल वहाँ से मुड़ा रहे हैं। हम ही सोच रहे थे कैसे अपने आप गोल गोल घूम रही है, लेकिन वो वहाँ से हैंडल मुड़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हम लोग पहुँच चुके हैं किनारे पे। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, जैसा लग रहा है कि मैं अब बटरफ्लाई बन चुकी हूँ। उड़ जाइए, उड़ जाइए, फिर आपको धरती पे जाने की जरूरत नहीं। उड़िए अब यहाँ से, आप उड़ना शुरू करिए। आपके पर कहाँ है? पर पर एक साथ उड़ाइए, उड़िए। देखिए ये बटरफ्लाई बन गई और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किरण जी बटरफ्लाई बन चुकी हैं। कैसी लगी ये बटरफ्लाई आप लोगों को, आप लोग बताइएगा। उड़ रही थी या बैठी हुई पानी थी? गरम होगा, पंख फड़फड़ा रही थी लेकिन उड़ नहीं रही थी। ठंडा है, ठंडा है, पानी गरम नहीं। मजा आया नहीं है? मजा आया, इसका पानी मजा आया आपको? एकदम इतना मजा आया ना, सीट बेल्ट खोल रहे हैं। और अब हम लोग चलेंगे मेले की तरफ, जिसको बोला जाता है खिचड़ी मेला। तितली उड़ी, मेले में चली। तितली उड़ी और मेले में चली। अरे यहाँ पे तो हंस भी हैं, हम लोग देखे ही नहीं। देखिए कितने प्यारे प्यारे हंस हैं। पानी गर्म है, इसका गर्म है, कंटिन्यू चल रहा है उसमें बोट। उससे क्या करना, बोट से?